हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। आज हम क्लास नाइन्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे शुड बी इक्वली बेनिफिटेड विथ ऑल दिस नॉलेज। ओके, तो देखो बच्चों, ये क्या है? कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन है, जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट दो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। द होल एंगल्स दिस, ये पूरा का पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 का। और इस पूरे 360 डिग्री को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ईच क्वाड्रेंट हैविंग 90 डिग्री मेजरमेंट। कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 90 90 90। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे इसको, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो दो लाइनें इसको कट कर रही हैं, क्वाड्रेंट बना रही हैं, उनको एक्सेस बोलते हैं 2D में। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, दिस इज वाई। वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो एक्स हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को। अब देखो, ये एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, और ये नीचे की तरफ वाई डैश, इस तरफ एक्स डैश। हमेशा याद रखना बच्चों, जो कोऑर्डिनेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, अब इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी पोजीशन अगर हमें बतानी है तो हम क्या बताएंगे? एक्स से, सपोज यहाँ से यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4। और यहाँ से यहाँ तक जिस पोजीशन पर, ये 5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,5, है ना। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पोजिशन इज रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द दिस मैन, है ना। अब जो पहला नंबर होता है इस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का, जो फर्स्ट डिजिट होता है, वो एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? एक्स एक्स को। और जो दूसरा नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को, यानी वाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए इतनी बात समझ में आई? यानी हम जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहला नंबर होगा, किसी भी अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे, सपोज 5,6 या 6,7, जो ये पहला डिजिट है, ये एक्स एक्स, दिस इज एक्स एक्स और दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट डिजिट विल रिप्रेजेंट एक्स एक्स एंड द सेकंड डिजिट विल रिप्रेजेंट एक्स, दिस सेकंड डिजिट विल रिप्रेजेंट द वाई एक्सेस। ओके, तो हमें पता चल गया कि इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब देखो, इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है? जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस होते हैं, यानी एक्स भी प्लस एंड वाई भी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव, एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और राइट का कोऑर्डिनेट भी, सॉरी, एक्स का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ठीक है, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। अब ये डिसाइड कैसे होता है? देखो, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ओरिजिन से नीचे की तरफ आते हैं तो वो नेगेटिव जाता है वाई। एक्स हमेशा राइट की साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दिस साइड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस साइड पॉजिटिव। वाई अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। जहाँ पर ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इट इज डिनोटेड बाय ओ, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओरिजिन इज कॉल्ड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। क्लियर, इतना समझ में आ गया?
और देखो एक चीज और बात होती है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। हमेशा याद रखना, यानी अगर मैं बोलूँ 6,7 तो एब्सिसा क्या हो गया? 6। एंड जो वाई में जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यानी 7 क्या हो गया? ऑर्डिनेट। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। क्लियर? ओके। अब प्लस का भी पता चल गया, साइन कन्वेंशन पता चल गया आपको, एक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है पता चल गया, और सारी चीज़ें यानी ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको, क्या होते हैं 0, और एक्स वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। राइट। और मैंने ये बता ही दिया कि जब भी पॉइंट दिए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पहला पॉइंट होगा, पहला नंबर वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब बहुत बार ऐसा आपके पास पूछा जाता है कि ये पॉइंट यानी ऐसा एक लाइन है या ऐसा पॉइंट है जो एक्स पर लाई करता है, यानी बच्चों एक्स पर लाई करेगा। ये देखो अगर कोई चीज़ ए है, सपोज ये एक्स पर लाई कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। यानी ऐसे वर्ड जहाँ पर बोला जाता है कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस या डिवाइड एक्स, इट मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्लियर? तो ये हमारी कार्टेशियन प्लेन के बारे में जो आपको बताया गया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस, है ना। 9th क्लास में हमेशा आपको प्लॉटिंग पूछी जाती है। अब मैं एक कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके भी दिखाता हूँ आपको। सपोज ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और सपोज हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है पॉइंट 6,7। 6, हमें पॉइंट दिया हुआ है 6,7, और दूसरा ए है, और दूसरा दे रखा है -6,-8, ये दे रखा है। देखो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब देखो पहली बार अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज दिस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पर लाई करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? देखो दोनों प्लस हैं। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। ये दोनों नेगेटिव हैं, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। अब यहाँ प्लॉटिंग करते हैं, अगर हम मार्किंग करें इसकी, है ना, मार्किंग करें, सपोज यहाँ से मार्क कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, ये हो गया। ऐसे इस साइड आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। आप एक स्केल लेंगे प्रॉपर, फिर आप इसको मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8, ये हो गया। इस तरह से हमने मार्किंग कर दी एक्सिस में। अब देखो मुझे प्लॉट करना है 6,7, तो पहले मैं कहाँ किस पॉइंट को किस पॉइंट को ड्रॉ करूँगा? 6 वाले को। तो मैं 6 पॉइंट किस में जाऊँगा? ये किस पे लाई करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी ओरिजिन से राइट हैंड साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये यहाँ पर आता है, ठीक है, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे। 7 कहाँ पे? वाई का कोऑर्डिनेट, वो भी पॉजिटिव है, तो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये यहाँ पर करता है। अब देखो हमने क्या बोला था, ये पॉइंट कहाँ पर लाइन करेगा? ये पॉइंट ए, इन दोनों के परपेंडिकुलर जहाँ पर कट करेंगे, यानी इस पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें यहाँ से और इस पॉइंट से भी, तो ये ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी योर 6,7, ये पॉइंट होगा आपका, और दिस विल रिप्रेजेंट 6,7। समझ में आया? हम 6 पहले इधर गए, फिर 7 ऊपर को गए, फिर इन दोनों का परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होगा ये 6,7। ऐसे ही नेगेटिव साइड में देखो, ये कहाँ है? नेगेटिव एक्स कहाँ होता है? ओरिजिन से लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इधर आ गए, है ना। और माइनस वाई का ऑर्डिनेट क्या है? -8, वो कहाँ करेगा? नीचे की साइड, तो कहने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 6 यहाँ पर था हमारा, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज बी, और कोऑर्डिनेट हो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये हो गए। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन बच्चों ऐसे किया जाता है। प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड प्रैक्टिस एट होम, ठीक है, बहुत बार कीजिए, आगे बहुत हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस
बहुत जरूरी है। ठीक है, सी यू गाइस, बाय।